गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम एमएस असेस पढ़ रहे थे, तो एमएस असेस के अंदर हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। इसमें मैं आपको बताऊंगा, आज कल मैंने आपको एमएस असेस के अंदर प्राइमरी की कैसे अप्लाई करते हैं आपको वो बताया था। देखिए मैं यहां से इसमें एमएस असेस को ओपन कर रहा हूं, ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने। यहां पे आपके पास एमएस असेस जो है वो ओपन हो जाएगा और अब आप क्या काम करोगे इसमें। देखिए कल मैंने आपको जो इसके अंदर डाटाबेस बताया था वो हमारे पास ये एम्प्लॉय के नाम से आपका डाटाबेस है, आप इस पे क्लिक करो तो यहां पे ये देखिए आपके पास ओपन हो रहा है ये। तो ये देखिए एम्प्लॉय डाटाबेस ओपन हो गया। इसमें हमने एक टेबल बनाया था कल एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, कल हमने ये एम्प्लॉय के नाम से हमने टेबल बनाया था। अब हम एम्प्लॉय में जाएंगे, यहां से हम इसको क्या करेंगे ओपन। तो ये देखिए हमने ये टेबल के अंदर कल इंफॉर्मेशन हमने जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डाली थी। अब अगर इसमें हमें कोई और फील्ड नेम भी डालने हैं, अगर आप नेम्स एजेस और सिटीज के अलावा और भी फील्ड नेम डालना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस का राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक से आप डिजाइन व्यू में जाओ, यहां पे आप क्या ले लो इसके अंदर स्टेट्स, यहां पे आप क्या ले लो इसके अंदर सैलरी आपने ले लिया नंबर में, यहां पे आप क्या ले लो इसके अंदर एड्रेस आपने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर, यहाँ से आप लॉन्ग टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर अब मान लीजिए जैसे आपने इसमें ये इंफॉर्मेशन डाल ली तो मैं क्या करता हूँ टेबल को मैं सेव करता हूँ, इसको मैं अब यहाँ से फिर माउस का राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन करूंगा। देखिए मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, अब यहाँ पे देखिए नेम्स एजेस तो आपने एंटर कर लिए थे, सिटीज भी आपने एंटर कर लिए थे, अब आपको स्टेट्स डालनी है। तो आपने जैसे स्टेट डाल दी यहाँ पे हरियाणा, इसमें आपने डाल दी हरियाणा, इसमें आपने डाल दी यूपी, सैलरी आपने यहाँ पे डाल दिया 20,000, 12,000, 11,000, एड्रेस आपने डाल दिया 45 स्ट्रीट नंबर 10 नियर नगर, ऐसे आप यहाँ पे इसके अंदर आप डाल सकते हो 44 बंसल नगर, तो जितना बड़ा भी एड्रेस डालना चाहो आप आगे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 67 स्ट्रीट नंबर 101, ठीक है, कांसापुर रोड। तो देखिए स्टूडेंट आप ऐसे इसके अंदर रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हो एंटर कर सकते हो। तो आप आगे अगर और भी इसमें रिकॉर्ड एंटर करना चाहो तो हम कुछ और रिकॉर्ड और भी आगे हम ऐड कर देते हैं, राजू 21 कानपुर यूपी 20,000 में इसकी सैलरी डाल दी 95 जवाहर नगर, ठीक है, ऐसे आप और रिकॉर्ड डाल सकते हो, पंजाब 32,000, इसको आपने यहां से सेव कर दिया। तो अब आप चेक कर सकते हो इसको, अब डिजाइन व्यू में जाओ, अगर आप और भी इसमें ले सकते हो यहाँ पे जैसे आपने लेना है इसके अंदर, तो मेल को मैं यहां से इसको ले लेता हूं यस और नो में, ठीक है, आप ऐसे ही यहां पे ले लीजिए इसको ईमेल, इसको आप ले लीजिए यहां पे यस और नो के अंदर, ठीक है। नेम से पहले अगर आप कोड नंबर लगाना चाहते हो तो देखो अगर आपको यहां पे कोई रो इंसर्ट करनी है बीच में या ऊपर तो आप कैसे इंसर्ट करोगे स्टूडेंट, आप माउस का यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है,
लेफ्ट क्लिक से आपने इंसर्ट रो पे जाना है, तो देखिए आप ऊपर एक रो, एक जो है न्यू रो जिसको आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, कोट्स, कोट्स को आपने किस में डाल दिया, यहाँ पे टेक्स्ट में डाल सकते हो, या आप अगर खाली नंबर में देना चाहते हो तो नंबर के अंदर भी आप डाल सकते हो, ठीक है। सैलरी को आप नंबर में ले सकते हो, सैलरी को आप करेंसी में भी आप सैलरी ले सकते हो, सैलरी आपकी वो करेंसी के अंदर भी शो कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर आप देखिएगा, ओपन कीजिए तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो सैलरी आ रही है। अब यहाँ पे ये देखिए आपके पास ये आ गया कि जैसे कोड आ गया। अब यहाँ पे आप कोड डाल सकते हो, कोड अगर आप यूनिक डालना चाहते हो तो जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मैंने कोड डाल दिया, ठीक है, ताकि जो है कोड में आप प्राइमरी की को भी आप एंटर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे राजेश है, आपके पास ये मेल है, तो मेल पे आप क्लिक कर दो इसके अंदर, ठीक है। विकास भी है मेल पे, तो मेल पे क्लिक कर दो। मीना फीमेल है, तो आप यहाँ से फीमेल पे आप क्लिक कर दो। राजू मेल पे, तो मेल पे क्लिक कर दो। मोहन मेल पे, तो मेल पे आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अब अगर आप इसके अंदर क्या करते हो कि आप जैसे यहाँ से इसमें हम इसमें जाते हैं डिजाइन व्यू में, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक फील्ड नेम डेजिग्नेशन, ठीक है। अब डेजिग्नेशन पे आप जाओगे, यहाँ से डेजिग्नेशन के अंदर आपने यहाँ से इसमें क्या चूज किया, हम इसमें लुकअप विजार्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ से क्या करोगे, डेजिग्नेशन को हम अब ये देखिए जैसे हम लुकअप विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये लुकअप विजार्ड का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे वो पूछता है कि आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, बट हम यहाँ से चूज करेंगे आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, ठीक है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, तो मैंने यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे मैंने इसके अंदर ले लिया जैसे मैनेजर, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया इसके अंदर पीएम क्लर्क, यहाँ पे मैंने ले लिया ऑफिसर, यहाँ पे मैंने इसके अंदर ले लिया इसके अंदर, मतलब हमने ये ले लिया। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। हमारे पास जो लेबल है वो डेजिग्नेशन है, फिनिश पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, अब मैं इसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पे ये देखो कि डेजिग्नेशन है आपके पास, वो आपके पास डेजिग्नेशन इस पे आ जाएगा। आप यहाँ से फील्ड के साइज को बड़ा भी कर सकते हो। देखो डेजिग्नेशन जैसे राजेश है, तो राजेश की 20,000 है, मैं इसके हिसाब से इसको मैं मैनेजर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके पास विकास है, तो विकास की मैंने इसमें यहाँ पे 12,000 डाली, इसमें क्लर्क ले लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ से मीना ऐसे इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैंने यहाँ से 11,000, इसको भी मैं क्लर्क ले लेता हूँ। फिर मैंने राजू की इसमें यहाँ 20,000, इसको मैं यहाँ से मैं मैनेजर ले लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। मोहन की अगर आप सैलरी 32 है तो इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ ऑफिसर ले लेता हूँ। अगर एक पीएन का बनाना है तो आप यहाँ पे 63 कोड और डाल दो, यहाँ पे आपने इसमें लिख दिया इसके अंदर यहाँ 21 कर देते हैं, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ इसके अंदर, यहाँ मैं इसमें 9,000 कर देता हूँ, ठीक है। इसका एड्रेस डाल दिया 45, यहाँ पे हमने डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पे आपने इसमें डाल दिया ईमेल, यहाँ डाल दिया आपने इसके अंदर, ठीक है। ये आपने इसको सेव कर दिया, तो अभी सारा डाटा देखिए हमारे एक अच्छे तरीके से हमारा एक डेटाबेस तैयार हो गया। आप इसमें यहाँ से फील्ड को भी आप अपने आप जो है इसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। नेम अगर आपके पास नेम के अकॉर्डिंग आप ऐसे एड, देखिए एजेस में ये जगह ज्यादा यूज हो रही है, तो एजेस के अंदर आप इसको अपने सिटी के अंदर ज्यादा यूज हो रही है, स्टेट के अंदर देखो हम जगह ज्यादा यूज कर रहे हैं। सैलरी में भी अभी हमारे पास स्पेस है, अवेलेबल है। एड्रेस थोड़ा सा हमारा बड़ा है, कंप्लीट आप एड्रेस दिखाना चाहते हो तो वैसे एड्रेस को आप बड़ा कर लो। मेल को आप देखिए इसके ऊपर आप ऐसे यहाँ से डबल क्लिक करो, फीमेल के ऊपर आप ऐसे डबल क्लिक करो, डेजिग्नेशन के ऊपर आप ऐसे डबल क्लिक करो, तो देखिए एक अच्छी सेटिंग हो जाती है। डेटाबेस भी हमारा जो है देखने में गुड लुकिंग लगता है। और अगर आप इनको आप क्या करते हो,
यहाँ से आप सारे को सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ए प्रेस करके आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बोल्ड है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। अगर आप साइज थोड़ा सा इसका बड़ा रखना चाहते हो तो आप साइज ऐसे आप 12 साइज देखिए इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा साइज इसको और बड़ा कर देता हूं 14, ताकि हमारा जो टेबल है वो देखने में भी अच्छा लगे। सैलरी में देखिए हैश का साइन आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके टेबल का साइज है वो थोड़ा सा आप उसको बड़ा कर लो, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो टेबल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप ऐसे इसको आप बड़ा कर सकते हो। ये देखिए ये भी आपके पास ऐसे एडजस्ट हो गया, ठीक है। सिटी को भी आपने ऐसे एडजस्ट कर दिया, स्टेट को भी आपने एडजस्ट कर दिया, सैलरी को भी देखिए एडजस्ट कर दिया आपने। तो अब आप जब देखेंगे तो आपको जो अपना डाटाबेस है वो आपको आपका डाटाबेस बहुत जो है देखने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम असेस के अंदर हम डेटाबेस काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में बताया था कि अगर आप अब इसमें यूनिक कौन सा आपको लगता है कि देखिए जैसे कोड्स यूनिक है, तो आप डिजाइन व्यू में जाइए, आप यहाँ से कोड को सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ से इसमें प्राइमरी की लगा दीजिए। अब आप इसको सेव करेंगे तो देखिए अब आप अपने टेबल के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आप एंटर नहीं कर सकते और आपका जो टेबल है वो गुड लुकिंग, ठीक है कि नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे एसएस का, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको अगले वीडियो के अंदर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो ये वाला लेक्चर में भी आपका मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर सर्कल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।